नमस्कार, मैं प्रिया त्वेरी आपका स्वागत करती हूँ जनोदय में। आज हम खड़े हैं अवंतिका मार्केट में। हमारा विशेष प्रोग्राम कोरोना की महामारी बाजारों में हाहाकारी, इसके के विषय में हम बात करते हैं नरेश जी से। नमस्कार नरेश जी। नमस्कार जी। सर, जैसे कि कोरोना चल रहा है, इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? कोरोना से दुकानों मार्केट के अंदर ग्राहक नहीं है, उससे पहले ठीक था, अब ग्राहक में दहशत है कि किसी भी जगह जाते हैं, रश होता है तो वहाँ पे आदमी घबराता है, उसी घबराहट के कारण मार्केट में रश नहीं है, ग्राहक नहीं है। आप अपना, आपने कस्टमर का और अपने स्टाफ का किस हिसाब से सावधानी बरत रहे हैं, क्या सुरक्षा बरत रहे हैं आप उनके लिए? मैं विशाल तनेजा, अवंतिका मार्केट रोहिणी में मेरी शॉप है तनेजा एम्पोरियम के नाम से। मैं जैसा कि देख पा रहा हूँ यहाँ पे मार्केट में पहले अच्छा खासा क्राउड रहता था, बट इस टाइम पे मार्केट बिल्कुल सूनी पड़ी है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही हैं और हम ये सब नहीं चल पा रहे हैं, दिक्कत हो रही है। बट अब देखो धीरे धीरे कस्टमर शायद खुलेगा, इसी उम्मीद में बैठे हुए हैं। बाकी अपनी तरफ से पूरी सेफ्टी यूज़ कर रहे हैं, मास्क वगैरह के विदाउट मास्क किसी को एंट्री नहीं है, ना ही सैनिटाइज के विदाउट, बाहर अंदर दोनों तरफ सैनिटाइज लगाया हुआ है, पूरे स्टाफ को मास्क दिया जा रहा है। विदाउट मास्क आने वाले हर कस्टमर को अपनी तरफ से मास्क अवेलेबल करवाते हैं, विदाउट मास्क बिल्कुल भी एंट्री नहीं दे रहे हैं अपनी शॉप में। आप जैसे कोरोना काल चल रहा है, कोरोना से पहले और कोरोना काल में आपके बिजनेस में कितना इफेक्ट है, कितना लॉस हुआ, कितना बेनिफिट्स हुआ आपको? एक्चुअली मैम देखिए, कोरोना से पहले ये था कि मार्केट में क्राउड था, सीजनेबल काम अच्छा रह जाता था, बट अभी जैसे सीज़न आ रहा है बट इसमें भी कस्टमर नहीं है, इस टाइम तो रेंट निकालना भी थोड़ी प्रॉब्लम आ रही हैं। जिनकी शॉप्स अपनी हैं वो तो फिर भी एडजस्टमेंट कर पा रहे हैं, रेंटल कस्टमर फिर भी बहुत प्रॉब्लम में है। सर, जैसे करवा चौथ आ रहे हैं, दिवाली आ रही है, इसमें क्या लगता है कि काम बढ़ेगा? देखिए मैम, इसी उम्मीद में बैठे हैं कि उम्मीद करते हैं कि कस्टमर खुलेगा, आएगा कस्टमर, बट जैसे जैसे कोरोना के पेशेंट बढ़ रहे हैं तो उसे डर लग रहा है कि यदि अगर अब भी काम नहीं होता तो बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि पिछले 4 महीने से बहुत बुरी तरह से मंदा झेला है। सर, लोगों के लिए आप कोई संदेश देना चाहते हैं? देखिए मैं तो ये चाहूँगा पूरी सेफ्टी के साथ यू बाहर निकलिए घर से, उसमें कोई इशू नहीं है, क्योंकि काम करे बगैर भी नहीं घर बैठ सकते, बट हाँ ये चाहूँगा कि सेफ्टी के साथ निकलिए, सेफ्टी से बाहर चलने में कोई इशू नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। धन्यवाद सर। मैं प्रिया त्वेरी, कैमरामैन प्रिया के साथ जन उदय। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब आवर चैनल जन उदय एंड हिट द बेल आइकन।